आज चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एकदम परफेक्ट और खिला खिला वेज बिरयानी। इसका टेस्ट रियली में एकदम ऑसम है एंड बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल। आप देख सकते हो बिरयानी एकदम खिला खिला एकदम कलरफुल है। तो चलिए एकदम परफेक्ट बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप बिरयानी बनाना तो सबसे पहले चावल को सोख होने के लिए रख देना। तो मैंने यहाँ पहले मिक्सिंग बाउल और इसमें ऐड कर रही हूँ 3 कप इतना चावल। एंड चावल को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेंगी एंड पानी ऐड करके कम से कम हाफ आवर के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगी। एंड उसके बाद चलिए अब हम अनियन को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन में तेल ऐड किया है और इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया स्लाइस में। तो बस इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाएगा इसे फ्राई होने में। तो बस देख सकते हो अच्छा खासा फ्राई हो गया है। तो इसे मैं तेल से निकाल ले रही हूँ बाहर एंड इसका जितना भी एक्स्ट्रा तेल है उसे हम निकाल लेंगे एंड ट्रांसफर कर देंगे एक बॉल में। एंड अब चलिए मैंने यहाँ पर लिया ढेर सारा सब्जी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया मशरूम और थोड़े से पनीर। तो मैंने पनीर को खुद ही घर पर बनाया था तो बस छोटा छोटा क्यूब में कट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ। तो मैंने पैन में ऐड किया है घी एंड बस पनीर क्यूब को ऐड करेंगे एंड अलट पलट कर 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। तो यहाँ पर पनीर बिल्कुल तैयार है एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिक्सिंग बॉल और इसमें ऐड कर रही हूँ सारी सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर लिया मटर, गाजर, साथ में फूल गोभी और साथ में मैंने यहाँ पर लिया फ्रेंच बीन्स और टमाटर और साथ में आलू को क्यूब में कट करके लिया है और साथ में ऐड कर रही हूँ फ्राई वाला पनीर और मशरूम। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा कप दही, साथ में ही हल्दी ऐड कर रही हूँ, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ में ऐड कर देंगे नॉर्मल लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में गरम मसाला और साथ में ऐड करिए कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और मिंट लेव और साथ में 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और जो अनियन फ्राई किया था उसे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से एंड लास्ट ऐड कर देंगे लेमन जूस। तो बस सब्जी को रेस्ट पर रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है गरम दूध और इसमें ऐड कर दे रही हूँ सेफ्रॉन थ्रेड। अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इसे भी रखेंगे साइड में। एंड जो प्याज वाला तेल था उसमें ऐड करी थोड़ी सी खड़े मसाले। तो जब मसाले अच्छे से चटक जाए तो ऐड कर देंगे 1 छोटा साइज का प्याज बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ, इसे भी हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। एंड जब प्याज अच्छे से भून जाए तो ऐड कर देंगे जितनी भी सब्जियां हैं वो। एक बार मिक्स करेंगे एंड ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। एंड चलिए बिरयानी के लिए हम चावल बना लेते हैं। तो पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया और इसमें ऐड करिए थोड़े से खड़े मसाले, साथ में ही नमक, 1 तेज पत्ता, जीरा और नींबू और साथ में ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ताकि जो हमारा चावल एकदम खिला खिला तैयार हो। तो एक बार अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एंड ढककर एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो बस पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं जो कि खाने टाइम मुंह में आते हैं तो उसे मैं निकाल दे रही हूँ और ऐड कर दे रही हूँ चावल। तो बस चावल को हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए एंड वो चावल पे डिपेंड करता है कि कितना देर उसे पकने में लगेगा। तो बस चावल को पकने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो चावल को अप्रॉक्स 80 से 85% तक ही पकाना है एंड उसके बाद चावल को छान लेना, देख सकते हो एकदम खिला खिला चावल तैयार है। तो चलिए जब तक हमारा सब्जी भी अच्छे से पक चुका है तो बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ग्रेवी ना रहे। एंड चलिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है एंड अब चलिए हम लेयरिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया 1 पतीला और सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ तेल ताकि सब्जी ना चिपके और हाफ सब्जी को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे चावल एंड उसके बाद बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, साथ में ही मिंट लीव एंड जो हमने अनियन को फ्राई किया था उसे ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला एंड 1 लेयर वापस से सब्जी का ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे चावल और बिरयानी मसाला एंड जो केसर का दूध था उसे ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और फिर से प्याज ऐड करेंगे और साथ में धनिया पत्ता और मिंट लीव एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन और रेड कलर ऐड कर रही हूँ, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर लिया 1 तवा, उसके ऊपर रख देंगे पतीली को एंड ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से दम देंगे एंड बस देख सकते हो हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। तो बस गर्मा गर्म सर्व करो एंड एंजॉय करो। सो रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड अगर चैनल पर है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।